नमस्कार साथियों, आयुर्वेद में तेलों का बहुत ही महत्व है। उसमें से एक है तुवरक का तेल। इस वीडियो के अंतर्गत इस तेल की जानकारी, इसके फायदे तथा औषधीय प्रयोगों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अंत में मैं कुछ चमत्कारिक प्रयोग भी आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। इसके वृक्ष मुख्य रूप से दक्षिण भारत, श्रीलंका आदि में बहुत आयत में मिलते हैं या काफी सुंदर होते हैं। पत्तियां सीताफल की पत्तियों के समान किंतु चमकदार होती है। प्रत्येक पत्ती 5 से 10 इंच तक लंबी, 1.5 से 3 इंच तक चौड़ी होती है। यह लटवा आकार तथा मालाकार तथा नुकीले शीर्ष वाले होते हैं। पुष्प सफ़ेद वर्ण के होते हैं तथा गुच्छों में लगते हैं, जबकि फल प्रायः गोल, छोटे तथा सेव अथवा केत के बराबर होते हैं। फलों पर सूक्ष्म कोमल रोम पाए जाते हैं। फल के अंतर्गत 10 से 20 बीज होते हैं। आकार में यह छोटे तथा बादाम जैसे होते हैं। बीजों से कोहलू की सहायता से संपीड़न विधि द्वारा तेल प्राप्त किया जाता है। साधारण ताप पर यह तेल हल्के पीले रंग का अथवा भूरा पीला होता है। यह गाढ़ा होता है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर या उससे नीचे के ताप पर यह घी के समान जम जाता है। इसमें एक विशिष्ट प्रकार की गंध होती है तथा स्वाद में यह कुछ कड़वा होता है। आयुर्वेद अनुसार यह तीक्ष्ण, स्निग्ध, तिक्त, कटु, उष्णवीर्य, कंडुग्न, जंतुग्न, वर्ण शोधन, वर्ण रोपण तथा कुष्ठग्न होता है। उष्ण प्रकृति वाले व्यक्तियों के द्वारा ग्रहण किए जाने पर यह हानि करता है। दूध, घी अथवा शक्कर के साथ इसके दुष्प्रभाव को दूर किया जा सकता है। मौखिक सेवन से यह वामक, रेचक तथा प्रमेयग्न होता है। रासायनिक रूप से इसमें हिंडिनोकार्पेनिक अम्ल तथा 4 मोगरिक अम्ल मुख्य रूप से होते हैं। तुवरक का तेल आपको किसी भी आयुर्वेदिक औषधि की दुकान पर उपलब्ध हो जाएगा। यदि आप इसे ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। तुवरक तेल के औषधीय प्रयोग। खुजली पर शरीर में कभी कभी किसी भी कारण से खुजली चलने लगती है। यह शरीर की किसी भी हिस्से में अथवा यौनांगों के आसपास हो सकती है। उपरोक्त स्थिति में थोड़े से तुवरक तेल को संबंधित स्थान पर लगा लेना चाहिए। ऐसा करने से खुजली में तुरंत आराम होता है। एक्जिमा पर शुष्क एक्जिमा के निवारणार्थ संबंधित स्थान पर गाय के गोबर के कपड़े से पीड़ित स्थान को थोड़ा सा घिसकर ऊपर से तुवरक का तेल लगा दे। इस प्रयोग को नित्य कुछ दिनों तक करने से बहुत लाभ होता है। जो एक्जिमा गल रहा हो अर्थात गीला हो, उस पर बगैर रगड़े हुए तेल को केवल लगाने मात्र से लाभ होता है। फोड़ों पर, हाथ पैरों में अथवा शरीर पर बाहर की ओर कहीं भी उत्पन्न फोड़े पर तुवरक का तेल लगाने से वो बहुत जल्दी अच्छा होता है। प्रमेह रोग में किसी भी प्रकार के प्रमेह में तुवरक के तेल की 2-4 बूंद की मात्रा बतासे में रखकर देने से लाभ होता है। रोगी को इससे अधिक मात्रा देनी नहीं चाहिए। यदि इसके सेवन से कुछ अटपटा लगे तो उसे ऊपर से 1 चम्मच शक्कर और फाक लेनी चाहिए। तुवरक के तेल का स्वाद मुंह के स्वाद को थोड़ा बिगाड़ता है, अतः इसे लेने के पश्चात व्यक्ति को मुख में इलायची लेकर चबाना चाहिए। कुष्ठ रोग में तुवरक का तेल उत्तम श्रेणी का कुष्ठ रोग नाशक है। कुष्ठ रोग में प्रभावित स्थानों पर तेल को लगाने से श्रेष्ठ लाभ होता है। यही नहीं, बाहरी रूप से लगाने के साथ साथ इसे रोगी को 1-2 बूंद नित्य पतासे में रखकर इसका सेवन भी कराना चाहिए। इससे अधिक मात्रा में ग्रहण करने से यह रेचक प्रभाव दर्शाता है। उपरोक्त विधि से इसे दिन में 2 बार अथवा 3 बार लगाया जा सकता है, किंतु खाने में केवल 1 बार ही दिया जाता है। इसे वेद के परामर्श के बिना ग्रहण ना करें। तुवरक के तेल के चमत्कारिक प्रयोग। कुष्ठ रोगी को अपने स्नान के जल में, जो कि हल्का गर्म हो, उसमें 6 से 7 बूंद इस तेल की मिलाकर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से उसके रोग प्रसार की संभावना नहीं रहती है। जिस घर में लोग लगातार बीमार पड़ते हो, जिस घर में रोगी की धार नहीं टूटती अर्थात हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति रोगी बना रहता हो, वहाँ तुवरक के तेल में आंबा हल्दी मिलाकर उस तेल का दीपक प्रतिदिन 15 दिनों तक जलाना चाहिए। इस हेतु लगभग 50 ग्राम तुवरक का तेल लेकर उसमें आंबा हल्दी की एक छोटी सी गांठ टुकड़े करके डाल दे। इसके बाद इसे सुरक्षित रख दे। अब रोजाना रुई की एक फूलबत्ती बनाकर इस तेल में डुबोकर पीतल के एक दीपक पर रखकर जलाए। यह दीपक 5 से 7 मिनट तक जलता है। इसका इतना जलना ही पर्याप्त है। उपरोक्त 50 ग्राम तेल 15 दिनों तक के लिए पर्याप्त होता है। प्रमोशन हेतु। अनेक लोग जो नौकरी पेशा होते हैं, उनके प्रमोशन में अनेक बाधाएं आती है अथवा उनके अधिकारी उन पर हमेशा कुपित रहते हैं। ऐसी किसी भी परिस्थिति में यह प्रयोग लाभदायक सिद्ध हो सकता है। इस प्रयोग में संबंधित व्यक्ति 50 ग्राम अरंडी का तेल, 50 ग्राम जैतून का तेल, 10 ग्राम कपास का तेल और 10 ग्राम तुवरक के तेल मिलाकर इसका मिश्रण तैयार कर ले। इस मिश्रण में 2 बड़ी इलायची तथा 4 लौंग पीसकर डाल दे। इस प्रकार बने 120 ग्राम मिश्रण में नित्य 1 रुई की फूलबत्ती डुबोकर उसे धातु के दीपक पर रखकर घर के आग्नेय कोण अर्थात दक्षिण पूर्वी कोण पर जलाएं। यह 5 से 7 मिनट तक जलेगा तथा इसका इतना जलना ही पर्याप्त है। इस प्रकार 40 दिन तक यह प्रयोग करें। ऐसा करने से ईश्वर की कृपा से संबंधित व्यक्ति का संकट दूर हो जाता है तथा उसके कार्य आने वाली बाधाएँ दूर होती है।
तुवरक का तेल आपको किसी भी आयुर्वेदिक औषधि की दुकान पर उपलब्ध हो जाएगा। यदि आप इसे ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। यह सभी जानकारी निरोग दुनिया प्रकाशित चमत्कारिक तेल पुस्तक से ली गई है। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई है और इस प्रकार तेलों की जानकारी आप और प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल आयुर्वेद के पन्नों से जुड़ें। धन्यवाद। वंदे मातरम।